मैं विश्वास करता हूँ इस स्पर्धा से खिलाड़ी लोगों में एकता आ जाएगी, पराभव और विजय को बर्दाश्त करने की क्षमता आ जाएगी और इस शहर के माध्यम से अच्छे अच्छे खिलाड़ी जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, देश स्तर पे बनेंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। नवी मुंबई में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट में अपना लोहा मनवा रहे हैं। इन खिलाड़ियों को अपने खेल का हुनर दिखाने का मौका मिले, इसीलिए साल 2015 में NMPL यानी कि नवी मुंबई प्रीमियर लीग की शुरुआत ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक के नेतृत्व में की गई, जिसमें नवी मुंबई के युवा क्रिकेट खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। साल दर साल नवी मुंबई प्रीमियर लीग को मिल रहा प्रतिसाद बढ़ता गया। इस साल भी युवा खिलाड़ियों की मांग को ध्यान में रखते हुए नवी मुंबई प्रीमियर लीग के तीसरे पर्व का आयोजन किया गया है, जो 6 जनवरी से 9 जनवरी तक चलेगा, जिसमें 16 टीम्स एवं 240 खिलाड़ियों का सहभाग है। नवी मुंबई प्रीमियर लीग सीजन 3 की शानदार शुरुआत आज विधायक गणेश नाइक के हाथों की गई, जहाँ पर उनके साथ ऐरोली मतदार संघ के प्रथम विधायक संदीप नाइक एवं नगर सेवकों की टीम मौजूद थी। इस दौरान विधायक गणेश नाइक ने खुद बल्लेबाजी कर मैच की शुरुआत की। द मेट्रो से बात करते हुए विधायक गणेश नाइक ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस प्रकार के आयोजन से खिलाड़ियों में एकता रहेगी, हार जीत को बर्दाश्त करने की क्षमता होगी और इस मंच से अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे। संदीप नाइक के पुरस्कार से NMPL ये जो क्रिकेट की और आम क्रिकेट की स्पर्धा यहाँ पे भूमिपुत्र मैदान पे आयोजित की गई है, बहुत भारी पैमाने पे खिलाड़ी ने इसमें सहभाग लिया है और बहुत शिस्तबद्ध वातावरण में शहर का सम्मान बढ़ाने के लिए, जीवन में एक आशादायक वातावरण करने के लिए सब आयोजक भी और खेलने वाले भी साथ में आए हैं। मैं विश्वास करता हूँ इस स्पर्धा से खिलाड़ी लोगों में एकता आ जाएगी, पराभव और विजय को बर्दाश्त करने की क्षमता आ जाएगी और इस शहर के माध्यम से अच्छे अच्छे खिलाड़ी जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, देश स्तर पे बनेंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि क्रिकेट टीम वर्क के आचार एवं विचार के एकता का खेल है। टीम वर्क में ही मैंने विचार की भी एकता चाहिए और आचार की भी एकता चाहिए, विचार अलग और आचार अलग ऐसे नहीं होने चाहिए। सदभाग्य से नई मुंबई के इस प्रांगण में विचार और आचार एक ही होने वाले लोगों को नवी की जनता ने अपना मोहरा बनाया है और वो मोहरे के माध्यम से नवी की जनता की सेवा हो रही है और आगे चल के भी होते रहेगी, इसमें भी उम्मीद है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के चलते खिलाड़ी एवं आयोजकों को सतर्क करते हुए उन्होंने कहा कि डिस्टेंस रखो, मास्क पहनो एवं सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो। बात ऐसी कि डिस्टेंस रखो, सैनिटाइजिंग करो, मास्क भी पहनो। अभी क्रिकेट मैदान में तो मास्क नहीं पहने, लेकिन फिर भी उनका शुरू में तो उनकी टेस्ट होनी चाहिए और ये जो कोविड का ओमिक्रॉन इस जो बीमारी का फैलाव ना हो, इसकी दक्षता सबने लेने की बहुत जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।